वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। रात दिन है, रविवार और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ बालकनी पे खड़ी हुई हूँ और नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं। देखो तो मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो सारे नीचे आ जाते हैं खेल रहे हैं और यहाँ रियान के हैं गाइस, मेरा लास्ट पेपर है। हाँ तो रियान के सारे पेपर हो गए हैं, बस एक पेपर रह गया है कल। तो इनका एक पेपर रह गया है, वो भी इनका कल हो जाएगा, इसके बाद रियान तो भी फ्री है, इसके बाद तो होली मनाएंगे। हाँ होली मनाएंगे, फिर दम से होली खेलेंगे। वही नीचे देखो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और यहाँ बालकनी पे मेरे कपड़े फैले हुए हैं और ये कपड़े मैंने अभी फैलाए हुए हैं क्योंकि ये धुल तो गए थे, दोपहर में ही धुल गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि कब मशीन लगाई हुई है और बस उसी में पड़े रहे कपड़े। फिर अभी मैंने देखा और बस अभी जाके मैंने फैलाए हैं कपड़े और रियान भी बस नीचे ही जा रहा है, इसको खेलने जाना है और ये बोल रहा है मुझे खाना है गुड़ पारे, तो गुड़ पारे बना लो। तो मैं बना रही हूँ गुड़ पारे। तो चलिए अभी टाइम 5:30 हो रहा है और गुड़पारी बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गुड़पारी बनाने में, जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और तो यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली है गुड़पारी बनाने की और ये है रिफाइंड ऑयल इस मोया लगाने के लिए और यहाँ पे पानी मैंने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा गुनगुना किया हुआ है, इसी से मैं आटा को गूँथूँगी और ये है गुड़। तो सबसे पहले मैदा ले लेंगे, तो मैदा मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, तो जितने गुड़ पारे बनाना है उसी हिसाब से मैदा ले लेना है और इसके बाद इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छे बनते हैं गुड़ पारे। तो मैंने लगभग आधी चम्मच से कम बेकिंग सोडा लिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें लगाएंगे मोया। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल से मोया लगाया हुआ है और थोड़ा सा ही मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना मोया लगाना है कि मैदे से थोड़ा सा लड्डू सा बनने लगे, इस तरह से मुट्ठी में बनने लगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसके बाद इसको मैदा को गूंथ लेना है। तो ये पानी मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था और देखिए सॉफ्ट डो लगा लेना है इस तरह से। और ये देखिए मैदा मैंने गूंथ ली है और इसके बाद मैं इसकी सारी मैदे की मैं लोइयां कट कर लूँगी, तो मैं बड़ी बड़ी लोइयां कट कर लूँगी। तो इधर मैंने पूरे आटे की लोइयां कट कर ली हैं और इसके बाद एक लोई लेंगे और उसकी बड़ी सी पूड़ी बेल लेंगे। तो मैंने पूड़ी को ना तो ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा पतला रखा है, आपको जैसे भी पसंद हो आप उस तरह से बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी बेल ली है, अब इसको चाकू से कट कर लेंगे पीसेस में, तो जिस तरह से मटरी काटते हैं ना उसी तरह से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से पीसेस कट कर लेना है और इसी तरह से मैं पूरे आटे की मटरी काट लूँगी, जिस तरह से मटरी काटते हैं ना बस उसी तरह से इनको कट कर लेना है। तो मैंने इधर सारी मटरी काट ली है, ये देखो इस तरह से पूरी मटरी काट लेनी है, ये देखो ना ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है, इतना रखा है मैंने। और यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब फिर मैं इसको सेकूंगी और जो गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखना है, तभी ये अच्छे से सिकेगा क्योंकि मैदा। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं सारी मटरी को सेक लूँगी। तो ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, इसके बाद ही इसको सेकेंगे और जो गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखना है और बस इसको सेक लेना है क्योंकि इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैदा को सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए ये सिक्के तैयार हो जाती है, अब इसको बाहर निकाल लेंगे। और अब मैं दूसरा बैच सेक रही हूँ, तो देखिए इस तरह से पूरी मटरी मैं सेक लूँगी।
इधर मैंने पूरी मटरी सेक ली है और अब मैं बनाऊंगी चाशनी। तो यहाँ गुड़ मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, अब इसमें डालना है पानी। तो मैंने लगभग थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, तो लगभग आधा कप ही मैंने पानी डाला है। और धीरे धीरे देखिए गुड़ इस तरह से मेल्ट होने लगेगा और इसमें उबाल आने लगेगा, चाशनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ एक कटोरी में मैंने पानी लिया है, अब मैं इसमें चाशनी की एक ड्रॉप डाल के चेक कर लूँगी चाशनी अभी रेडी है या नहीं है। तो अभी ये चाशनी तैयार नहीं है, अभी इसको और पकाएंगे और धीरे धीरे ये गाढ़ी होने लगती है। और इसके बाद फिर मैं इसको पानी में डालूँगी, एक ड्रॉप ही पानी में डालना है। और जब ये गोली सी बनने लगे, देखो इस तरह से समेटने लगे और गोली बनने लगे, तो ये देखो इस तरह से होने लगा है, ये गोली बनने लगी है। तो ये चाशनी बिल्कुल रेडी है, चाशनी बन गई है। तो मैंने अब जो मटरी बनाई हुई थी वो मैंने डाल दी है चाशनी में, अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो गुड़ की जो लेयर है वो सब पे अच्छे से हो जाए। और इनको चिपकने भी नहीं देना है बिल्कुल भी, और बस चलाते रहना है। और यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है, अब मैं इसको मटरी को एक अलग परात में निकाल लूँगी। और अभी ये गर्म है इसलिए थोड़े से चिपक रहे हैं, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ना ये अलग अलग होते जाएंगे। तो ये देखो मट्टी कितनी बढ़िया बन गई है, और ये ठंडी हो गई है तो एक एक हो गई है, ये देखो एक एक हो गई है। और इस पे ना गुड़ की बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है और ये खाने में बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये गुड़ पारे बनके तैयार हैं और ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, बिल्कुल एक एक हैं। और इन पे जो गुड़ की लेयर है वो बहुत अच्छे से हुई है, और इनको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। और ये खाने में ये इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, जब भी मीठा खाने का मन होता है ना तो यही खाते हैं सब लोग, मेरे घर में तो सबको इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए गुड़ पारे मैंने बना लिए हैं और बाजार से भी अच्छे होते हैं ये घर के बने हुए। और चलिए मेरा एक काम हो गया है, और अभी मेरा घर का सारा काम है, अभी डिनर बनाना है, बर्तन धुलने हैं। तो इस वाली वीडियो का मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।